हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका टॉपिक है लंबा और छोटा। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट में पहला प्रश्न है, एक सीधी रेखा की मदद से इन जानवरों को उनके घर से मिलाइए। तो चलिए जानवरों को उनके घर से मिलाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 जानवर दिए हुए हैं और उनके घर बनाए हुए हैं। तो हमें प्रत्येक जानवर को सीधी रेखा से उसके घर से मिलाना है। तो पहले हम चिड़िया को उसके घर से मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम कुत्ते को सीधी रेखा से उसके घर से मिलाएंगे, इसके बाद मधुमक्खी को उसके छत्ते से सीधी रेखा से मिलाएंगे, और अंत में हम गाय को सीधी रेखा से उसके घर से मिलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न पहला, कौन सा जानवर अपने घर से सबसे दूर है। तो इसका जवाब होगा कुत्ता। दूसरा, कौन सा जानवर अपने घर के सबसे पास है। तो इसका सही जवाब होगा चिड़िया। तीसरा, सेंटीमीटर फुट्टे की मदद से जानवरों और उनके घर के बीच की दूरी को नापिए। आपको फुट्टे की मदद से जानवरों और उनके घर के बीच की दूरी को सेंटीमीटर में नापना है और दिए हुए प्रश्न में लिखना है। का, मधुमक्खी अपने घर से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ जवाब लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ख, गाय अपने घर से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ जवाब लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। गाय अपने घर से 7 सेंटीमीटर दूर है। ग, कुत्ता अपने घर से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ जवाब होगा 12 सेंटीमीटर। कुत्ता अपने घर से 12 सेंटीमीटर दूर है। घ, चिड़िया अपने घर से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। चिड़िया अपने घर से 5 सेंटीमीटर दूर है। बच्चों, जब सेंटीमीटर फुट्टे की मदद से आप इन जानवरों और उनके घर के बीच की दूरी को नाप रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ अंतर आए। आप अपने द्वारा नापी गई दूरी को भी इन प्रश्नों के जवाब के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सेंटीमीटर फुट्टे की मदद से निम्न लाइनों के रेखाखंड बनाइए। पहला, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, वर्कशीट में या अपनी कॉपी में आप सेंटीमीटर फुट्टे की मदद से एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे, जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक एक रेखा खींचकर बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरे में 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे, तीसरी में 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे, चौथी में 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे। रेखाखंड मतलब लाइन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर कार्टून द्वारा कुछ मैसेज दिया गया है। पहला मैसेज है, सेंटीमीटर का इस्तेमाल छोटी चीज़ों को नापने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेंसिल की लंबाई, शार्पनर, अंगूठा आदि। अब यहाँ पर दूसरा चित्र मधुमक्खी का है, वह भी कुछ कहना चाह रही है। चलिए इसका मैसेज भी पढ़ते हैं। और मीटर का इस्तेमाल थोड़ी बड़ी चीज़ों को नापने के लिए किया जाता है, जैसे कि दरवाजे की लंबाई, साड़ी आदि। अब यहाँ एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें लिखा है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, और फिर पूछा गया है 1/2 मीटर = कितने सेंटीमीटर होगा। तो बताओ तो बच्चों, कितने सेंटीमीटर होगा। सही जवाब 50 सेंटीमीटर। चलिए अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। नीचे दी गई लंबाई को सेंटीमीटर में बदलें, एक आपके लिए किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें मीटर की लंबाई को सेंटीमीटर में बदलना है। पहला आपके लिए किया गया है, 4 मीटर को बदला गया है 400 सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो जितने मीटर होंगे उसके आगे हम 100 से गुणा करके लिख देंगे, तो 7 मीटर हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और 12 मीटर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। चौथा करेंगे 24 मीटर = 2400 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दी गई सेंटीमीटर लंबाई को मीटर में बदलें, एक आपके लिए किया गया है। यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है, हमें उसे मीटर में बदलना है। प्रश्न 1 आपके लिए किया गया है, 5 मीटर = 5 मीटर।
दूसरा 900 सेंटीमीटर, तो ये इसका जवाब होगा 9 मीटर। तीसरा 1150 सेंटीमीटर, तो इसका जवाब होगा 11 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 2300 सेंटीमीटर, इसका जवाब होगा 23 मीटर। प्रश्न 5, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो बच्चों अभी तक आपने पढ़ा था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। पहला, मीटर लंबाई को किलोमीटर में बदलें। आप देखेंगे यहाँ क ख ग घ में कुछ लंबाई दी हुई है मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलना है। पहला आपके लिए पहले से ही किया गया है, 2000 मीटर को लिखा गया है 2 किलोमीटर। इसी प्रकार 7000 मीटर को लिखेंगे 7 किलोमीटर और 15000 मीटर को 15 किलोमीटर। 4050 मीटर को लिखेंगे 4 किलोमीटर जमा 50 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दूसरा, इसको बदलने का प्रयास करें। 15 किलोमीटर बराबर होगा 15000 मीटर। चलिए अब प्रश्न 6 करते हैं। राधा अपने स्कूल जा रही है, स्कूल उसके घर से 360 मीटर दूर है। उसके बाद वो बाज़ार जाएगी जो स्कूल से 100 मीटर दूर है। बाज़ार से वो घर जाती है जो 280 मीटर दूर है। राधा ने कुल कितनी दूरी तय की? तो बच्चों हम इसका जवाब इस प्रकार देंगे, राधा ने कुल दूरी तय की घर से स्कूल बराबर 360 मीटर, स्कूल से बाज़ार बराबर 100 मीटर, बाज़ार से घर बराबर 280 मीटर। अब हम इन तीनों दूरियों को जमा कर लेंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वह राधा की तय की गई कुल दूरी होगी। हमारा उत्तर 740 आया है। एक बार आप भी अपना उत्तर चेक करें, अगर आपका उत्तर भी 740 मीटर आया है तो आपका जवाब सही है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।